अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मटन खिचड़ा। तो खिचड़ा बनाने के लिए हमने ये दालें ली हैं। इन्हें हमें ओवरनाइट भिगाकर रखना पड़ता है। ओवरनाइट भिगाने से ये बहुत ही अच्छे से भीग जाती हैं और जल्दी गल जाती हैं पकाने के वक्त। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है खिचड़ा बनाने के लिए। ये हाफ कप है, ठीक है, देख रहे हैं आपको लिखा हुआ है इस पे हाफ कप। इस कप से ही मैंने सारी दालों को मेजरमेंट किया है, इसी कप से मैंने सारी दालें ली हैं। तो हाफ कप मैंने चावल लिए हैं, हाफ कप मैंने चने की दाल ली है, जो चना दाल होती है ये वो दाल है, और हाफ कप मैंने मसूर दाल ली है, हाफ कप तुअर दाल, हाफ कप पीली मूंग दाल और हाफ कप सफ़ेद उड़द की दाल ली है। और ये मैंने ली है चौली, ये भी हाफ कप है, जो चौलाई होती है जिसका हम सालन वगैरह बनाते हैं ये वो है। ये खिचड़े में डालना ज़रूरी है, इससे हमारा खिचड़ा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, बिल्कुल भटियारे जैसा खिचड़ा हमारा बनता है। और ये मैंने खिचड़े के गेहूँ ले लिए हैं, आपको ये इजीली ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएंगे। ये खिचड़े के गेहूँ अलग से आते हैं, ये वो गेहूँ है। ये मैंने पाव किलो लिया है, बाकी सब मैंने हाफ हाफ कप लिए हैं और खिचड़े के गेहूँ पाव किलो लिए हैं। आप अगर इसमें जौ डालना चाहते हैं तो आप जौ भी डाल सकते हैं, बट मैंने जौ इसमें नहीं डाला है। चाहे जौ डाले या फिर गेहूं डाले, वो दोनों का टेस्ट एक ही होता है। तो सबसे पहले हम एक बोल में पानी ले लेंगे और सारी दालों को उसमें डाल के वॉश कर लेना है। अब इन सबको हम 2 से 3 पानी में अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेंगे। 2 से 3 पानी में वॉश करने के बाद इसको बड़े से मैंने बोल में भिगा कर रख दिया है, ठीक है, पानी में इसको मैंने भिगो दिया है। अब जो गेहूं और चौलई है इसको भी हम धो लेंगे। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन को दबाना ज़रूरी है, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी। अब इन दोनों को हम रात भर के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। अच्छा, ये गेहूं को मैंने अलग इसलिए भिगाया है क्योंकि गेहूं को गलने के लिए वक्त लगता है, इसलिए गेहूं और चौलई को अलग से भिगाना है और दालों को अलग से भिगाना है। तो देखिए, ओवरनाइट इसको भिगो लिया था और पानी से मैंने वॉश कर लिया था, और ये देखिए दालें और हमारे गेहूं और चौलई अच्छे से भीग चुके हैं। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से भीग चुके हैं, देखिए दबाने से ही ये टूट रहे हैं, अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। तो ओवरनाइट भिगाने का यही फ़ायदा होता है कि ये जल्दी से पक जाते हैं और अच्छी तरह से गल जाते हैं, जिसके वजह से जो हमें घोटना पड़ता है खिचड़े को, उसमें आसानी होती है। तो अब हम सबसे पहले इसको प्रेशर कुकर में डाल के सीटी ले लेंगे गेहूं को और चौलई को। प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें इनको डाल देना है। प्रेशर कुकर में डालने से जल्दी हमारा खिचड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और 2 ग्लास के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसको लीड से कवर कर देंगे और 5 सीटी ले लेना है। तो ये देखिए 5 सीटी लेने के बाद में ये अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको हमें मैश करना है, तो आप स्पून की हेल्प से ये देखिए इस तरीके से भी इसको मैश कर सकते हैं, या फिर दाल घोटनी अगर आपके पास है तो उससे भी आप घोट सकते हैं, बट मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी हल्का हल्का सा। अब हम दाल को सीटी लेंगे, तो दाल को हम कुकर में डाल देंगे। इसमें भी हम 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 से 2 टीस्पून भरकर हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इनको भी हल्का सा मिक्स कर लेंगे।
और लीड से कवर कर देंगे। और इसको भी हम 5 सीटी ले लेंगे क्योंकि दाल हमें बिल्कुल मैश चाहिए, गली हुई चाहिए। तो दाल हमारी गले, जब तक हम गल रही है तब तक हम कोरमा बना लेते हैं। जो खिचड़े का कोरमा होता है वो हमने तेल लिया था, ये चम्मच से 2 बड़े चम्मच तेल लिए थे और इसी चम्मच से 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और मटन मैंने 1 किलो लिया है, 1 किलो मटन को क्लीन करके अच्छे से वॉश कर लिया था, ऑयल में डाला है। और ऑयल में मटन को डालने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले हमें सिर्फ गोश्त के हिसाब से नहीं डालने हैं, दाल को भी ध्यान में रखते हुए हमें मसाले डालने हैं। अगर हम सिर्फ गोश्त के हिसाब से मसाले डालेंगे तो दाल डालने के बाद खिचड़ा हमारा फीका फीका हो जाएगा, इसलिए मसाले ज़्यादा डालने हैं ताकि खिचड़ा हमारा चटपटा बनकर तैयार हो। अब अदरक लहसुन अच्छे से भून जाने के बाद इसमें 1 बड़ी साइज की प्याज को फ्राई करके डाल देंगे और 2 बड़े साइज़ के इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे कट करके। कुछ लोग टमाटर ऐड नहीं करते हैं खिचड़े में, कुछ लोग दही ऐड करते हैं, बट टमाटर ऐड करना चाहिए, इससे खिचड़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। अब टमाटरों को डालने के बाद भूना है, भूनने के बाद इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच भर कर गरम मसाला, 2 चम्मच भर के जीरा पाउडर, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी मिर्ची और 1 चम्मच भर के हल्दी डालेंगे और 2 चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर देंगे, ठीक है। ये छोटे वाले चम्मच का यूज़ किया है मैंने। और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे मसालों को अच्छी तरह से। थोड़ी मेहनत तो लगती है खिचड़ा बनाने में, बट जब आप बनाओगे मेरे तरीके से तो ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है आपका खिचड़ा। तो मसालों को मिक्स कर लिया है, अब ऐसे ही हम लीड को ढक देते हैं और लो फ्लेम पर इसको थोड़ा 5 मिनट के लिए मसाले को भुनने देंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, 1.5 ग्लास के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है। अब इसको हम लीड से कवर कर देते हैं और इस पर हम 4 सीटी ले लेंगे ताकि गोश्त अच्छा सा गल जाए। खिचड़े में जो है गोश्त अच्छे से गला हुआ होता है तो खाने में मज़ा आता है खिचड़े को। तो कोरमा हमारा जब तक साइड में बन रहा है, तो ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है, इसको मैंने मैश नहीं किया है फिर भी वो अच्छे से गल चुकी है। अब ये जो गेहूं और चौलई थी इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से हल्का हल्का सा ब्लेंड कर लिया। आप चाहे तो मिक्सर में भी एक एक बार इसको घुमा सकते हैं अगर आपसे हाथ से घोटा नहीं जा रहा है तो, बट हल्के हल्के दाने होना चाहिए, एकदम ही आपको इसको पीसना नहीं है। अब इसमें हम दाल को भी मिक्स कर देंगे। गेहूं और चौलई में हमने दालों को भी मिक्स कर दिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब इसमें हम गरम पानी ऐड कर देंगे, ठंडा पानी नहीं डालना है, गरम पानी का यूज़ करना है। गरम पानी डालने से ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा जल्दी जल्दी से। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है, बहुत टॉप मेरा भर चुका था, फुल हो चुका था, इसलिए मैंने थोड़ी सी दाल निकाल कर दूसरे टॉप में डाल दी है, आधा आधा कर दिया है खिचड़े को। अब ये कोरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल गोश्त भी गल चुका है। तो आधा कोरमा इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहे तो एक बड़ा सा पतीला ले लें और उसमें सबको मिक्स कर दें, बट बड़ा पतीला उठाने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, इस वजह से मैंने 2 पतीले कर दिए हैं खिचड़े के। ये पूरा 2.5 किलो खिचड़े की रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब गरम पानी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आपको जितना पतला और जितना गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करें। पहले थोड़ा पतला ही रखेंगे खिचड़े को, क्योंकि ये ठंडा जैसे जैसे होता जाता है तो गाढ़ा होता जाता है, इस वजह से पहले मैंने इसको थोड़ा पतला ही रखा है क्योंकि हमें इसको अभी गैस पर पकाना भी है। तो देखिए लो फ्लेम पर इसको हम 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि जितना पकेगा उतने सारे मसाले आपस में मिलेंगे और ये टेस्टी बनेगा खिचड़ा।
लो फ्लेम रखना है और कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहना है चम्मच को। अगर आप फ्लेम हाई कर दोगे तो खिचड़ा नीचे से जल जाता है, इससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो लो फ्लेम पर ये देखिए इसमें छोटे छोटे आप देख रहे हैं उबाल आना शुरू हो चुके हैं। तो इसमें कटा हुआ हम हरा धनिया ऐड कर देंगे और पुदीना डाल देंगे इसमें। इन सबको भी मिक्स कर देना है और थोड़ा 5 मिनट तक पकाएंगे। पूरे 25 मिनट मैंने खिचड़े को पकाया है लो फ्लेम पर और इसको मिक्स कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही लजीज हमारा मटन खिचड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से चलाते रहना है इसको चारों तरफ। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए खिचड़े को मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इस पर आप लेमन का जूस डालें। जब आप खा रहे हो इसको सर्व कर रहे हो तो लेमन जूस डालना है सबसे पहले, और इस पर हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, तली हुई प्याज डालेंगे जो प्याज हमने फ्राई की थी, और इस पर हम पुदीना डाल देंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटन खिचड़ा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी था ये खाने में। अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आपका खिचड़ा भी बहुत टेस्टी बनेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।